योगासन ऐसी प्राचीन तकनीक है जिसे स्वस्थ रहने के लिए आज देश विदेश में सभी लोग अपना रहे हैं। इससे कई बीमारी के लक्षण को कम किया जा सकता है। इसकी मदद से ठीक होने वाली शारीरिक समस्याओं की सूची में साइटिका का नाम भी शामिल है। साइटिका के कारण होने वाले दर्द से राहत पाने में भी योगा मददगार साबित होता है। साइटिका से शरीर के कई हिस्से प्रभावित होते हैं जिससे पूरे शरीर में दर्द की समस्या बन जाती है। योगासन एक ऐसी चीज है जिससे आप साइटिका के दर्द से बहुत जल्दी और आसानी से राहत पा सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे आसन बताऊंगी जिससे आप अपनी साइटिका के होने वाले दर्द से राहत पा सकते हैं। तो दोस्तों बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। पहला आसन है भुजंगा आसन। भुजंगा आसन के फायदे में साइटिका का उपचार भी शामिल है। इससे अंग्रेज में कोबरा पोज कहा जाता है। एक रिसर्च में बताया गया कि यह दर्द अकड़न और आगे झुकने पर होने वाले दर्द को कम करने में राहत देता है। आप इस आसन को 3 से 4 बार दोहरा सकते हैं। इससे आपकी साइटिका के दर्द में बहुत राहत मिलेगी। नंबर 2 पे आते हैं बालासन। बालासन यानी बच्चे के जैसा आसन। इसे अंग्रेजी में चाइल्ड पोज कहा जाता है। साइटिका की वजह से शरीर के निचले हिस्से में दर्द रहता है। बालासन निचले कमर के दर्द को कम करने में अहम भूमिका निभाता है। इस चक्र को आप करीब 3 से 4 बार कर सकते हैं। इससे आपके दर्द में बहुत राहत मिलेगी। नंबर 3 है तितली आसन। तितली आसन को अंग्रेजी में बटरफ्लाई पोज भी कहा जाता है। यह योगासन जांघों और कूल्हों की मांसपेशियों को स्ट्रेच करके मजबूती प्रदान करता है। इस प्रकार लगभग 3 से 5 मिनट तक घुटनों को ऊपर से नीचे कर सकते हैं। नंबर 4 है पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला पवन यानी वायु और दूसरा मुक्त मतलब निकलना। इस आसन को करने से शरीर में मौजूद अतिरिक्त वायु निकल जाती है। इस योगासन से शरीर के निचले छोर की मांसपेशियों को व्यायाम होता है जिससे साइटिका का दर्द कम हो जाता है। पर दोस्तों ध्यान रहे, इस योगासन को करते समय शरीर पर ज्यादा जोर ना डालें वरना इससे साइटिका का दर्द बढ़ भी सकता है। इस आसन को 1 से 2 बार कर सकते हैं। 5वां आसन है सेतु बंदासन। सेतु बंदासन को ब्रिज पोज के नाम से भी जाना जाता है। यह लोअर बैक पेन के लिए भी लाभदायक होता है। इसके अलावा यह दर्द या खिंचाव को कम करने में मदद करता है। इस वजह से सेतु बंदासन को साइटिका के दर्द में भी फायदेमंद माना जाता है। इस आसन को 4 से 5 बार कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी अपनी साइटिका के दर्द से राहत पाना चाहते हैं आप इनमें से किसी भी योगासन को अपना सकते हैं। तो दोस्तों यह था आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें।